फिरोजाबाद जिले में टूंडला जंक्शन रेलवे स्टेशन पर नीलांचल एक्सप्रेस व बनारस नई दिल्ली एक्सप्रेस गाड़ियों का ठहराव किया गया, जिसका उद्घाटन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री भारत सरकार SP सिंह बघेल ने झंडी दिखाकर किया। भारत सरकार के मंत्री श्री बघेल ने कहा कि इन गाड़ियों के टूंडला ठहराव से बनारस काशी गया धाम जाने वालों को आसानी होगी और इसका लाभ आगरा एटा हाथरस फिरोजाबाद के लोगों को भी मिलेगा। उन्होंने कहा कि जनता की मांग पर मेरा अपने संसद राज्यसभा एवं विधायक काल से ही प्रयास कर रहा है और इन गाड़ियों को रोकने के लिए संसद में मेरा 8 बार भाषण भी हुआ है, जिसे आज सफलता मिली है। SP सिंह बघेल ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए भाजपा सरकार की उपलब्धियों को बताते हुए कहा कि सभी विपक्षी पार्टियों का एकजुट होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। केंद्र व प्रदेश सरकार की योजनाओं और सबका साथ सबका विकास एवं सबका विश्वास के कारण 2024 में भी कमल का फूल खिलेगा और तीसरी बार मोदी जी की सरकार बनेगी। लिगायत अली, फिरोजाबाद। आज 2 गाड़ियों का ठहराव का उद्घाटन हुआ है माननीय राज्य मंत्री जी के करकमलों द्वारा और माननीय सांसद जादौन साहब के द्वारा, और इसमें से एक है 2875 क्षेत्र, एक 2875 क्षेत्र नई दिल्ली पुरी आनंद विहार से पुरी आती है नीलांचल एक्सप्रेस। ये गाड़ी यहाँ पे सवेरे लगभग 10:15 बजे के आसपास मिलेगी यात्रियों को और पुरी की तरफ जाने के लिए, और वापस यहाँ पे शाम को आती है, शाम को लगभग 6 बजे 6:30 बजे के बीच में। और इससे हमारे यात्रियों को यहाँ से लखनऊ जाने के लिए, बनारस जाने के लिए और साथ में गया जाने के लिए और तीर्थ स्थल पुरी जाने के लिए सुविधा होगी। साथ ही एक दूसरी गाड़ी एक 2581-2582 का भी यहाँ पे ठहराव दिया गया है, जो कि नई दिल्ली से बनारस के बीच में चलती है और इसका बनारस से आने का समय 7:00 बजे है। तो बनारस से वहाँ पे दर्शन करके बाबा विश्वनाथ के, और यहाँ पे लोग 7 बजे सुबह घरों पर पहुँच सकते हैं। और ऐसे ही उधर जाने के लिए, बनारस की तरफ जाने के लिए, ये बहुत अच्छी गाड़ी है और माननीय प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र से चलती है। यहाँ पे रात में 1 बजे गाड़ी मिलेगी और सुबह पहुँचा देगी बनारस लगभग 10 बजे। जलेसर लोकसभा के दौरान और राज्यसभा के दौरान और आगरा लोकसभा के MP के दौरान, चूंकि मैं इस इलाके से 3 बार लोकसभा का MP और 1 बार विधानसभा में रहा हूं, मेरा ये कर्तव्य होता है कि यहां की जनता की मांगों को मैं उठाऊं। मुझसे यहां व्यापार मंडल का और जैन समाज के कई ज्ञापन हमेशा मिलते रहते थे। 8 भाषण मेरे पार्लियामेंट में है नीलांचल एक्सप्रेस को टूंगला में रोकने का। तो 12876 में धन्यवाद देना चाहूँगा प्रधानमंत्री जी का और रेल मंत्री का कि टूंगला में 2 ट्रेनों का ठहराव किया है कि 12876 नीलांचल एक्सप्रेस जो दिल्ली से पुरी जाएगी। लेकिन इसमें अच्छी बात है कि इसमें एक ज्योतिर्लिंग बनारस कवर होगा, इसके बाद गया जी जहाँ पर पितरों का हम लोग तर्पण करते हैं, और उसके बाद धाम है जगन्नाथपुरी, वो जाया करेगी। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। दूसरी दिल्ली से काशी जाने वाली ट्रेन है वो उसका ठहराव किया है, इससे केवल टूंडला नहीं आगरा एटा फिरोजाबाद हाथरस इवन मथुरा के कुछ पार्ट को भी जनता को लाभ मिलेगा। दो है, किस तरह से पार्ट देती है? केंद्र सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाएं, राज्य की योजनाएं और उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री का लॉ एंड ऑर्डर और बूथ अध्यक्ष से राष्ट्रीय अध्यक्ष की परिश्रम की पराकाष्ठा से जो कमल पसीने से कमल खिलेगा और मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार एक बार पुनः सरकार बनाएंगे।